लोकसभा इलेक्शन 2019, कांग्रेस को यहां पहली जीत हासिल करने में लगे 20 साल। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आजादी के बाद देश के हर कोने कोने में कांग्रेस थी। वहीं एक संसदीय सीट ऐसी थी जहां उसे पहली जीत हासिल करने में 20 साल लग गए। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग संसदीय सीट की, जहां आजादी के बाद 2 दशक तक सीधे तौर पर रामगढ़ राजघराने का वर्चस्व रहा था। कांग्रेस को यहां पहली जीत 1971 में मिली। दामोदर पांडे यहां के कांग्रेस की टिकट पर जीते। हजारीबाग संसदीय सीट पर प्रथम आम चुनाव के समय से ही दिल्ली की निगाहें खास तौर पर रही हैं। रामगढ़ का राजघराना इसकी वजह बना। इसके अलावा क्षेत्रीय दल जनता पार्टी के संस्थापक राजा बहादुर कामाख्या नारायण का करिश्माई व्यक्तित्व पूरे चुनाव में खास अंदाज में प्रभाव डालता था। जहां जहां राजा बहादुर का हेलीकॉप्टर चुनाव में घूमा, वहां से विपक्षी प्रत्याशी का पत्ता साफ होता गया। राजनीतिक विशेषकों की माने तो यह कहा जा सकता है कि 1952 की जीत भी रामगढ़ राज के समर्थक का ही प्रतिफल था। एक निर्दलीय प्रत्याशी बाबू राम नारायण को समर्थक देकर रामगढ़ राजघराने ने केंद्रीय सत्ता को चुनौती दी थी। राजघराने की बहु पहुंची संसद। रामगढ़ घराने की बहु ललिता राजलक्ष्मी, जो कामाख्या नारायण की पत्नी थी, उन्होंने 1957 में सीट से चुनाव लड़कर संसद में प्रवेश किया था। फिर तो इसी राजघराने के बसंत नारायण ने 1962 व 1967 में हजारीबाग लोकसभा सीट पर कब्जा जमाया। जब वे बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो 1968 के उपचुनाव में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति होटल व्यवसायी मोहनलाल ओबेरॉय की जीत दिलवाई थी। समीकरण परिवर्तन हुए, लेकिन 1977 और 1980 में 2 बार जीत दर्ज कर बसंत नारायण ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रामगढ़ राजघराने का देश के राजनीतिक क्षितिज पर काफी मान सम्मान था। हालांकि दिग्गज राजनेता स्वर्गीय केबी सहाय के साथ इस घराने की शुरू से ही प्रतिस्पर्धा रही थी, इसके बावजूद नेहरू परिवार इस घराने की काफी इज्जत थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काफी तरजीह देती थी। इसकी वजह यह थी कि 1953 से 1954 में भूदान आंदोलन में रामगढ़ राजघराने ने देश में सर्वाधीन जमीन दान देकर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया था। राजमाता ने नवाजी गई शंशांक मंजरी ललिता राजलक्ष्मी डॉक्टर बसंत नारायण की पत्नी विजया राजे अक्सर इंदिरा गांधी से मिलकर राजनीति पर विचार विमर्श करती थी। वर्तमान में राजनीतिक समीकरण बदल चुका था, लेकिन चुनाव आते ही रामगढ़ राजघराने की चर्चा अवश्य होती थी। बाद में भाजपा ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यहां से सांसद बने। उनके पुत्र सह केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा वर्तमान में यहां से सांसद हैं। मैं संजना भारती के साथ प्रतिमा भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट।